इस वीडियो में आपको बताऊंगी इस सिंगल कटोरी ब्लाउज को डबल कटोरी में कैसे कन्वर्ट करें, वो भी बिना कट किए। ये वीडियो मैं सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर बना रही हूँ। उनका कहना है कि सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कन्वर्ट करना बताएं। तो जैसे सिंगल कटोरी ब्लाउज कट करते हैं, मैंने कट कर लिया है और अभी आपको इसका तरीका बताती हूँ, जिसे आप बिना कटे कट किए इसको कन्वर्ट कर सकते हैं डबल कटोरी। ये 40 साइज का ब्लाउज है, जैसे आप नॉर्मल ब्लाउज कट करते हैं सेम उसी तरह आपको कट कर लेना है। तो देखिए ये हमारा कटोरी है, ये साइड का पार्ट है और ये इसका नीचे का बेल्ट है। तो जो ड्राफ्ट करेंगे हम उसको अस्तर पे कर लेते हैं, तो इसको साइड में रखते हैं। देखिए जो कटोरी ब्लाउज है, तो देखिए जो इसका अस्तर है, तो यहाँ पे मार्किंग हो रही है। जो 3 इंच की जो प्लेट आती है, यहाँ से इसकी डबल कटोरी की शेप देनी है, तो वो आपको बताते हैं। तो जो ये पार्ट है इसको आप इस तरीके से मार्किंग कर लें, थोड़ा सा ऊपर से मार्किंग करना। तो जो हमने प्लेट ली है उससे 1/2 इंच ऊपर की तरफ से मार्किंग करनी है। और देखिए जो हमारा हुपट्टी साइड है, यहाँ से 1/2 इंच की मार्किंग कर लेंगे, जो कि हमारी ये प्लेट आएगी, प्लेट से ही हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। और सेम 1/2 इंच आपको यहाँ से लेना है और इसको इस तरीके से तैयार करना। यहाँ से 1/2 इंच का रहेगा, यहाँ पर 1 सिलाई का मार्जिन ही रहेगा। तो देखिए इस तरीके की इसकी शेप आएगी, यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से बीच में सिलाई मार्जिन जितना हम लेते हैं, और नीचे की जो नॉर्मल प्लेट है वो ही आएगी। तो नॉर्मल प्लेट पहले डालेंगे और उसके बाद इसकी ये वाली प्लेट। तो यहाँ पर कट दे देते हैं। इसी तरह से दूसरी साइड में भी मार्किंग कर, साइड का पार्ट है, आपको इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपको चेंज करना है सिर्फ कटोरी में करना है। नीचे जो हमने उल्टा ब्लाउज रख लिया है, यहाँ पे देखेंगे सीधा पार्ट है और जो अस्तर के नीचे ये उल्टा है, और यहाँ पे अस्तर रखने के बाद अभी चारों तरफ से इसको पूरा हम स्टिच कर देंगे, दोनों पीस हमारे तैयार हो जाएंगे। जो यहाँ पर हमने मार्किंग की है, पहले एक स्ट्रेट स्टिचिंग डाल लें, जिससे क्या है दोनों पार्टों में हमारी प्लेट आ जाएगी। और सेम आपको यहाँ पर भी इसी तरह से स्ट्रेट एक स्टिचिंग डालनी है, उसके बाद प्लेट। और जो ये पार्ट है इसको भी हम चारों तरफ से स्टिच कर लेंगे अस्तर के साथ, और उसके बाद फिर इसकी फिनिशिंग। हमने इसको पूरा अस्तर के साथ तैयार कर लिया, जो यहाँ पे मार्किंग की थी यहाँ पे एक स्टिचिंग डाल दी है, और सेम स्टिचिंग मैंने प्लेट में डाल दी है। और जो ये साइड का पार्ट है इसको भी मैंने पूरा स्टिच कर लिया अस्तर के साथ, और अभी प्लेट डालते हैं। तो जो मार्किंग की है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए डबल स्टिच डाल दिया है और सेम यहाँ पर भी डाल देते हैं। तो सेम मैंने यहाँ तक स्टिच डाल दिया है और इसको भी खोल देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा इस तरीके का कप तैयार हो गया है। जो हमने सिलाई डाली थी तैयार करने के लिए, इस सिलाई को निकाल देंगे और अभी हम साइड का पार्ट स्टिच कर, कटोरी हमारी तैयार हो चुकी है, इसको साइड के पीस के साथ स्टिच कर देते हैं। तो देखिए इसको इसी तरह से रख लें और इस पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे और पूरा इसको नीचे तक स्टिच कर देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डबल स्टिच डाल दिया है और देखिए सीधा करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अभी यहाँ पे हम बेल्ट अटैच कर देते हैं। जो बेल्ट है इसमें मैंने एक अस्तर का पीस भी स्टिच कर लिया है, थोड़ा सा डबल रहेगा यहाँ पे तो अच्छी फिटिंग आएगी। और नीचे के लिए मैंने एक और बेल्ट ले लिया। तो देखिए इस पार्ट को हम इस तरीके से रख देंगे यहाँ पर, और जो अस्तर है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक स्टिच कर देते हैं। तो देखिए बेल्ट पे मैंने बाहर की तरफ एक स्टिचिंग डाल दी, इससे तैयार हो गई है। और देखिए अभी मैंने इसी में, जैसे कपड़ा कम था तो जॉइंट कर लिया, तो इसी में हमारा एक्स्ट्रा भी हो गया। तो यहाँ पे हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और जो अस्तर है इसको अस्तर की तरफ फोल्ड कर देंगे और किनारे पे सिलाई डाल देंगे। हुक पट्टी के लिए भी मैंने यहाँ पर स्टिचिंग डाल दी है, बाद में यहाँ पर तुरपाई करने के बाद इसको निकाल सकते हैं। अभी देखिए नेक की फिनिशिंग देते हैं, उसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी क्रॉस में पट्टी कट कर ली है। इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और नेक की शेप में स्टिच कर देंगे। यहाँ पर स्टिचिंग डाल दिया है और इसको हम इस तरीके से पलट देंगे और अंदर की तरफ इसमें तुरपाई कर देंगे, तो बाहर का लुक कुछ इस तरीके से आएगा। आप चाहें तो इस पर कोई लेस भी लगा सकते हैं नेक में। मैंने इसी तरह से दूसरा साइड का पीस भी तैयार कर लिया है। देखिए ये राइट साइड है, यहाँ पे हमारे लेफ्ट साइड में काज आएंगे, यहाँ पे हुक्स आएंगे। तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर हमारा कप साइज बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस आसान तरीके से सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में कन्वर्ट कर सकते। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।